नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तरफ से आपका 1,70,000 जो पद आने वाले हैं, इसमें बीपीएससी के जो चेयरमैन महोदय ने महोदय अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें हम लोगों ने लाइव प्रसारण भी किया था अपने चैनल पर, आपने देखा होगा। हालांकि मैं आपको जितने भी जो मेन मेन पॉइंट है क्या वहां से निकल के आया वो सब कुछ बता दे रहा हूं। अभी तो सारे न्यूज़पेपर में भी चीज़ें अपडेट होने लगी हैं, जैसे वहां का लोकल न्यूज़पेपर भी, दैनिक भास्कर में भी वहां पे चीज़ें आ गई हैं। और क्या क्या पॉइंट पे इन्होंने बात किया है उसको मैं एक बिंदु बना के आपको बता दूं, ताकि आपको जो अगर कॉन्फ्रेंस ना देख पाए हो तो आपको पता हो जाए कि क्या होने वाला है। और एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि कल ही इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है, कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जरूरी नहीं है, एक पॉइंट उन्होंने ये बहुत बड़ा कर दिया है। एक एक पॉइंट को पढ़ें, बीपीएससी कल जारी करेगा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, ये पॉइंट है। 1,70,000 पदों पे होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके परीक्षा जो है वो अगस्त जो डेट दी गई थी उसी पे होगा। कई सारे रिपोर्टर पूछ भी रहे थे टेंटेटिव है या ये रियल है, उन्होंने व्यंगों में ये भी बताया कि भाई अगर आप पिछला एक साल का रिकॉर्ड देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेंटेटिव होता है वही सही होता है। इसका मतलब कि आपको दिमाग में नहीं रखना है कि डेट आगे फिक्स होगी, डेट 19-20 और आपका 26 और 27 अगस्त ही कंफर्म मान के चलिए। दूसरी चीज, आपका दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और कितने नंबर की परीक्षा है यह पैटर्न थोड़ा सा बदला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन का प्रारूप तैयार कर लिया है, 31 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि सिलेबस का विस्तार नहीं हुआ है, प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस पहले थे वही अभी भी है, परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होगा, रिजल्ट दिसंबर तक आएगा। उन्होंने अपने बयान में यह बोला कि आपका जो परीक्षा है वो नियमित समय पे होगी, उसके बाद भले ही बाकी चीजें होती रहें उसका जो रिजल्ट कभी भी आए, रिजल्ट से मतलब नहीं है उनको, मतलब किससे है, मतलब उन्हें परीक्षा कराने से है। और उन्होंने अपने बयान में ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आए, जो आप अपनी वीडियो पे देख भी सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है वीडियो, वहां पे जाके पूरा कॉन्फ्रेंस का वीडियो लाइव हुआ था परीक्षा प्रेस चैनल पे। अगर यहां पे देखा जाए तो बीएड डीएलएड में लास्ट ईयर के अपियरिंग स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा, और ऐसा मौका मिलने से जो अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 30 से 35 हज़ार बच्चों को फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर बीएड का लास्ट ईयर बच्चा अपियरिंग हो गया तो यह बात मान के चलिए कि फिर 30,000 बच्चों को डायरेक्ट ही फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, प्राइमरी में सीटेड एलिजिबल है, हालांकि सेकेंडरी और के लिए इन्होंने कोई जिक्र ऐसा किया नहीं है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। 31 क्या बोल गया है कि यहां पे 31 तक आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो बड़ा बदलाव है, 31 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि सिलेबस का विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है। पहले मेन पेपर में 150 प्रश्न थे, एक बड़ा बदलाव यह है कि पहले 150 प्रश्न था, अब 150 प्रश्न की जगह 120 कर दिया गया। जो भाषा था 100 क्वेश्चन, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका मेन पेपर था जो क्वालिफाइंग नहीं था, जिसके बिहाफ पे आपका क्या बनना था, लिस्ट बननी थी या आपके मेरिट लिस्ट होना था या जिससे आपका सिलेक्शन होना था उसकी बात किया जाए, जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट था या फिर आपके सब्जेक्ट वाला पार्ट था, वहां का 150 से घटा के 120 कर दिया गया है। 30 क्वेश्चन की राहत हुई है आपको, और सबसे बड़ी बात है कि समय 2 घंटा उस पेपर में भी है, 2 घंटा आपके लिए भाषा के लिए भी है। भाषा क्वालिफाइंग अभी भी रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, लेकिन जो रेशियो पहले 50 और 100 का था वो रेशियो 40 और 80 का कर दिया, मतलब 40 में आपका जो सामान्य अध्ययन वाले पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट है, मैथ्स वाले पार्ट है, रीजनिंग वाले पार्ट है, इनको पूछा जाएगा। और बाकी जो आपका 80 है, वो सेकेंडरी वालों की बात करूं, 80 है उसमें आपका भाषा किसके आप टीचर बनने जा रहे हो उसका पूछा जाएगा। पात्रता में भी यही बोला गया है कि अगर आप जिस विषय से आपका सुपर टेट क्लियर है, सॉरी टेट क्लियर है, जिस विषय से उसी विषय का आप क्या करोगे, उसी विषय के आप टीचर बनोगे, या विषय जो आपका है जिसमें आपका ग्रेजुएशन में या फिर आपका पीजी में जो विषय है, आप उसी विषय से उसी विषय के टीचर बनोगे, वही विषय ले भी सकते हो, उन्होंने बातों बातों में कहा। यह नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता में SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित नंबर में 5% की छूट मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, जैसे कि आप देखते हो गए हर जगह, हर राज्यों में भी है, सीटेट वगैरह में भी है, जो रिजर्व्ड होते हैं उनको जो मेन कट ऑफ होता है उसमें 5% का क्या है, यहाँ पे छूट मिली है, मतलब 5% ऑलरेडी उनका कम रहेगा। बीएड डीएलएड में अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट को मौका मिलेगा, शर्त यह है कि उन्हें टेट, सीटेट या एस टेट
जो है आपका ये पास हो। इस निर्णय से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को फायदा मिलने वाला है। नियोजित शिक्षकों और टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा होगी। अलग से कोई नियोजित शिक्षकों का अलग से लाभ नहीं दिया गया है, ये आप समझते हुए चलिएगा। पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है, ठीक है, यह भी समझिएगा। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल तक छूट मिलेगी। कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जरूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है, शायद पहला ऐसा राज्य है या ऐसे और भी राज्य हैं जहां पे अगर कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है तो वहां पे बीएड अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपका अधिगम इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। और ये बहुत बड़ा कदम है कि 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को सोमवार को संशोधित कर दिया है। शिक्षक ने यह भी 2030 में इसका संशोधन भी हो गया। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा एसटेट उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की आयु में 10 वर्षों की छूट होगी। जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यह बहुत बड़ी बात कही है। मेन इन पॉइंट 31 मई को मतलब कल नोटिफिकेशन आ रहा है। जून में योग्य अभ्यर्थी में आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होगी। दिसंबर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस साल के अंत तक ज्वाइनिंग देने का लक्ष्य है, मतलब 2023 में ही आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगा 2024 का जनवरी या फरवरी। तो बहुत अच्छा आज का कॉन्फ्रेंस आया, बहुत सारी राहत भरी चीजें रही हैं। बाकी आपको मैं एक जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि सर क्या यहाँ पे निगेटिव वाला हटेगा कि नहीं हटेगा, तो निगेटिव नहीं हटा है, निगेटिव नहीं हटा है। जो आपका पैटर्न हो गया है वो 120 क्वेश्चन का हो गया है। आपके जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, प्राइमरी वाले बच्चों का जो आपका पैटर्न है वो पहले 100 क्वेश्चन का आपका लैंग्वेज है, जिसमें 25 आपकी इंग्लिश है और 75 आपका हिंदी या उर्दू में से है। उसके बाद आपका 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में वो सारे ही पार्ट है, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, जैसे ज्योग्राफी इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आपका केवल साइंस हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग ये पार्ट भी आपका जो 6 और 7 पार्ट थे ये सारे ही आपके वही हैं, 120 एक साथ पूछा जाएगा। जो सेकेंडरी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, सेकेंडरी में केवल 6 से 10 का देखा जाए तो 6 से 10 तक का कोई विज्ञापन नहीं आएगा, प्रमोशन के बेस पे होंगे। 9 से 12 की बात किया जाए तो 9 से 12 में आप क्या देख लो कि 100 क्वेश्चन तो आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज एक साथ एक ही पेपर सभी का होगा, ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही पेपर सभी का होगा, वो चाहे आप 9 से 12 का हो या फिर 1 से 5 का हो। इसमें भी 120 होंगे, इसमें 2 पार्ट में है, 80 और 40, इसे 80 और 40 किया जाएगा। 80 वो जिस विषय के आप अध्यापक बनना चाह रहे हो, उस विषय से आप फिजिक्स का बनना चाह रहे हो, ऐसे उन्होंने बोला भी है अध्यक्ष महोदय ने कि अगर आप फिजिक्स का बनना चाह रहे हो तो आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा, आप केमिस्ट्री के बनना चाह रहे हो केमिस्ट्री का रहेगा, आप साइंस के बनना चाह रहे हो साइंस का, आप मैथ्स के बनना चाह रहे हो मैथ्स का, ऐसा टाइप में आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग उन्होंने बोला है। और 40 में उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आप केवल मैथ्स और रीजनिंग ना समझिएगा, इसमें आपका वही है जैसे इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपका साइंस है, इसमें आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हट गया है, और इसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है सोशल साइंस हट गया है, ठीक है, और इसमें आपका क्या है मैथ्स है रीजनिंग हट गया है। तो ये इतनी चीजें आपके 40 नंबर में पूछा जाएगा। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद है यहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि टीम परीक्षा प्लस बिहार का निःशुल्क बैच चला रही है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फ्री बैचेस चलते हैं। इसके अतिरिक्त पूरा डेडिकेटेड नोट्स इसका टीम परीक्षा प्लस ने ऐप परीक्षा प्लस ऐप पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। वहां पे जाके मात्र 330 के शुल्क में एक साथ सारी किताबें खरीद सकते हो, जिसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। पूरी किताबों नोट्स के डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक चेक करें, और आपको निशुल्क जो बैच के डिटेल चेक करने के लिए दूसरी लिंक चेक करें, और कॉन्फ्रेंस देखने के लिए तीसरी लिंक चेक करें। उसके बाद आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ना है, उनके भी लिंक क्रमशः इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, सेशन पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपनी तैयारी परीक्षा प्लस के साथ जम के निशुल्क तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ जारी रखिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।